हेलो दोस्तों, कुकिंग हिंग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ आंवले की मुरब्बे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। कई लोगों को शिकायत होती है कि आंवले का जो हम मुरब्बा बनाते हैं वो हार्ड बन जाती है, थोड़ा कसैला लगता है टेस्ट में, या फिर अंदर तक जूस नहीं जा पाती है। तो यहाँ मैं पुराने तरीके से बना के आपको दिखाएंगे, जिसे ये स्वादिष्ट तो लगेगी ही, साथ ही इसके अंदर तक जूस जाएंगे, एकदम स्पॉन्ज की तरह एकदम सॉफ्ट बनेगी और रसीली भी रहेगी, जिसे आप सालों साल रखेंगे, एक दो मंथ नहीं सालों साल रखेंगे फिर भी ख़राब नहीं होगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आंवले 1 केजी ले लिए हैं। सारे आंवले को हम पहले ही फॉग वाले कांटे से अच्छे से इसमें छिद्र कर दिए, ये आप देख सकते हैं। तो बारीक करना है, एक हम आपको करके दिखाते हैं। सारे आंवले को होल करके नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारे इसमें टाइम लगते हैं, इसीलिए हम आपको एक करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप सावधानी से इसमें छिद्र करें, नहीं तो आपके हाथ में भी लग सकती है। थोड़ा सा आप ध्यान दें और उसके बाद इसे चारों तरफ से फॉग वाले कांटे या फिर आते हैं होल करने वाले, उसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें आंवले को बहुत अच्छे से, जितने भी हमें आंवले लेने हैं तो यहाँ पे इस तरीके से होल कर लेंगे। और अब हम गैस की तरफ चढ़ेंगे। गैस पर हम एक पतीले में पानी करीब हम 2 लीटर रखे हैं, आंवले 1 लीटर है तो हम 2 लीटर पानी रखे हैं, ताकि आंवले का जो है वो अच्छे से डूबना चाहिए। तो यहाँ पर जब पानी अच्छे से उबल जाए तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच का फिटकरी इसमें डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गैस से पानी को उतार दिए, यहाँ पे बस इसमें एक उबाल आ जानी चाहिए। बहुत अच्छे से एक उबाल आने के बाद हम इसमें 1.5 इंच का फिटकरी डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम सारे आंवले को इसी में डालेंगे। यहाँ पे देखिए आंवले बहुत अच्छे से डूब गए हैं, इसे कवर करके करीब हम 2 से 3 घंटे रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 5-6 या फिर आप होल नाइट भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आंवले को करीब 3 से 4 घंटे के बाद दिखा रहे हैं, ये देखिए। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहे हैं ताकि ऊपर का नीचे अच्छे से ये मिक्स होते रहें। तो यहाँ पे हम आंवले को छान लेंगे, किसी बड़ा सा बर्तन में इसे हम अच्छे से छानेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से आंवले जो है इसका कसैलापन सारे गायब हो गए हैं क्योंकि हमने फिटकरी के पानी में रखे हैं। तो यहाँ पे इसे हम छानने के बाद 1-2 पानी फ्रेश पानी से हम धो वॉश कर लेंगे, अच्छे से इसे धो लेना है ताकि फिटकरी का जो हमने पानी रखे थे वो ना रहे। तो यहाँ पे 2-3 पानी आप अच्छे से धो लें मसल कर, उसके बाद आप इसे 2 से 3 घंटे धूप में डाल दें ताकि इसमें जो भी पानी का मात्रा हो वो ना रहे। तो यहाँ पे हम इसे 2 से 3 घंटे धूप में डालने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 घंटे धूप में डाल दिए थे, उसके बाद देखिए इस तरीके का आंवले हो गया है। तो यहाँ पे आंवले का जो मुरब्बा है वो सालों साल जाएगी क्योंकि हमने इसमें पानी का मात्रा रखा ही नहीं है, जो भी था वो हमने धूप में सुखा दिया है। अब हम चाशनी के लिए चीनी लिए हैं। तो यहाँ पे 1 केजी आंवले है और 1.25 केजी चीनी है। चीनी की मात्रा हमें बढ़ा कर लेनी होती है क्योंकि मुरब्बे को हमें चाशनी में डुबोना रहता है, इसीलिए हमें थोड़ा चीनी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे एक मोटी तली वाली कढ़ाई लेंगे और इसमें हम चीनी को डालेंगे। करीब हम 1/2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा हमें पानी इसमें नहीं ऐड करनी है। और इसी में हम साथ ही डालेंगे आंवले को भी, क्योंकि आंवला भी अपना जूस छोड़ेगी और चाशनी अंदर जाएगी आंवले को और आंवले अपना जूस छोड़ेगी। इस तरीके से मुरब्बे बहुत ही ज़्यादा रसीली और सॉफ्ट बनेगी। तो इसे आप कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहे जब तक कि ये चीनी अच्छे से घुल नहीं जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी बहुत अच्छे से इसमें जूस नहीं बना है, इसलिए यहाँ पे चलाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जब पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी आंवले का मुरब्बा बनाती थी तो इतना स्वादिष्ट लगता था, साथ ही वो सालों साल जाती थी बिना किसी डर के। आप उसे निश्चित ही किसी जार में बंद करके रखते, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती थी। और मुरब्बे तो जितने पुराने होते जाते हैं उतना ये स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे हम वही तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दादी नानी जो भी तरीक़े से बनाती थी ठीक वही प्रोसेस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब चाशनी में उबाल आ गई है और हम इसे
कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि चाशनी में इसे चारों तरफ से कुक होना है। आंवले गोल होते हैं, इसलिए जब आप इसे नहीं चलाएंगे तो एक ही साइड से कुक होंगे, किनारे या फिर ऊपर से नहीं होंगे, इसीलिए इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी पॉइंट्स कि इसे हमें कब तक कुक करना है, तो इसे हमें चाशनी में जब उबाल आ जाए उसके बाद हमें करीब 25 से 30 मिनट यानी आधे घंटे आपको चाशनी में आंवले को कुक करना है। कंटिन्यू चलाते हुए गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दें, उसके बाद अच्छे से इसे कुक होने दें। तो यहाँ पे हम 20 से 25 से 30 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आंवले का जो कंडीशन है चाशनी में कुक होने के बाद कैसा हुआ है। यहाँ पे देखिए, आधे घंटे के बाद इसका कंडीशन जो है बिल्कुल इस तरह का हो गया, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से चलाते हुए कुक किए हैं, इसमें चलाना बहुत ज़रूरी है चाशनी के साथ। ऐसा नहीं कि उबाल आ रहा है, चाशनी भी है, आप छोड़ दिए और कहीं चले गए, नहीं, इसे आप कंटिन्यू चलाते रहे। तो इसे हम करीब एक दिन के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगी उसके बाद हम आपको एक दिन के बाद दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक दिन के बाद चाशनी में आंवले हैं वो बहुत अच्छे से बैठ गई है। यहाँ पे देखिए, चाशनी ऊपर है और आंवले नीचे हैं, यानी ये ऑब्जर्व कर ली है। तो यहाँ पे देखिए कितनी रसीली, कितनी रस भरी लग रही है। यहाँ पे हम आपको दिखा दें कितना सॉफ्ट है, कितना अंदर तक इसके जूस गया है। यहाँ देखिए, दबाने के बाद ये कैसे मतलब दब जा रहा है एकदम स्पॉन्ज की तरह। यहाँ पे रस निचोड़ने के बाद भी हम आपको दिखा रहे हैं अंदर तक ये कितना रसीली बनी हुई है। कड़वा या फिर कसाइला तो बिल्कुल भी ये नहीं लगेगी, क्योंकि हमने इसमें फिटकरी रखा है जो इसके सारे कसाइलेपन को दूर कर दिया है। तो इस तरीके से आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आंवले का मुरब्बा कभी भी बनाने के 2 दिन के बाद उसे सर्व करें, तभी उसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। इसे आप किसी जान में भर कर रख सकते हैं, सालों साल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, मैं गारंटी लेती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन दबा दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।